रहमान रहीम। रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर गुजर रहा है और तमाम मुल्क के लोगों ने जिस तरह से अब तक के लॉकडाउन का इस्तकबाल किया है और बाकायदा घरों में रहे हैं और कम से कम निकले हैं और कोरोना के हराने की मुहिम में जुटे रहे हैं, उसी तरह से ये जो हमारे मुल्क के रहनुमा मोदी जी की तरफ से ऐलान हुआ है उसमें इसी तरह से पाबंदी के साथ घरों में रहें, जुम्मतुल विदा की नमाज़ घर में अदा करें और दूसरी इबादतें घर में अदा करें और साथ साथ ये कि नमाज ईद में भी घर पे रहकर नमाज ईद अदा करें। इसलिए कि ईद की खुशी ये है कि दूसरे को खुश किया जाए और अगर हमने निकल करके दूसरों को दुख बांट दिया या दूसरों से दुख ले लिया तो हमारी खुशी ख़त्म हो जाएगी और जब हम जिंदा रहेंगे तभी इबादत करेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर न इबादत है न ईद है न जुम्मतुल विदा है। लिहाजा सबसे पहले प्रायोरिटी इस्लाम ने भी दी है और ह्यूमनिटी भी कहती है कि सबसे पहले इंसान को अपनी ज़िंदगी की हिफाजत उसके बचाव का ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा घर में रहें, प्रशासन की बात को मानें और कानून को न तोड़ें और न अपने हाथों में लें।